ऑर्नामेंट प्लांट्स ऑलमोस्ट हर जगह पे उसके लिए लगा दिए उस तरह तो कमर्शियली जो है उसकी बात हो रही है। तो पोटोहार में फिर किस तरह फिर इसको जो है ना ये पोटोहार में और स्पेशली ये जो वनहार और पोटोहार का जो ये वाला इलाका है ना ये यहाँ का नेटिव पौधा है अंजीर का। अंजीर का यहाँ पे नेटिव हम इसको पंजाबी जुबान में खबाड़े कहते हैं। ठीक है, खबाड़ों का पौधा हमें से कहते जो देसी हमारा लोकल उगता होता है, जो लोकल उगता है। ये आप अभी भी अगर इधर पहाड़ियों में जाएं या जंगलों में जाएं तो आपको कहीं पे भी नजर आएगा। वो उसकी ये बात है कि वो उसकी प्रोनिंग या उसकी वो गोडी नहीं होती तो वो वाइल्ड हो जाता है, उसका फ्रूट नहीं होता। इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे नहीं है, ये यहीं की नेटिव है। तो इस वजह से ये इलाका और ज़्यादा मुफीद है इसके लिए। यहाँ की आबो हवा वो इस चीज़ का सबूत देती है कि ये यहाँ पे अगर नेटिव है तो फिर यहाँ ये इसके लिए एक अच्छी जगह है। बिल्कुल ठीक, इसकी ग्रोथ के लिए। तो आप बताइए कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटीज जो है ना वो ग्रो की हुई हैं यहाँ पे इस बाग में? हमारे पास दो वेरिएशन हैं अंजीर की, एक काबली है और एक ईरानी है। और दोनों वेरिएशन ब्लैक मिशन फेक की वेरिएशन हैं। यहाँ के सब वेरिएशन आप दो जिसमें हमने काबली और रखी हुई है। तो दुनिया में तो इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटीज हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 470 मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी अगर किसी में नेटिव इंसान ने आइडेंटिफाई किया तो अंजीर में, अंजीर में। तो अब कितनी और वैरायटीज़ के ऊपर आप इसको यहाँ पे ऐसे लेके आना चाह रहे हैं या की है? इसके अलावा और कौन कौन सी नॉन कमर्शियल वैरायटीज हैं या एक एक दो दो आपने इकट्ठी की हैं यहाँ? हमने यहाँ पे कलम लगाई है फिलहाल, टर्किश जो वेरिएशंस हैं उनकी टर्किश हैं और उसमें टर्किश में भी आगे काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं वो, लेकिन वो एक टेस्टिंग उस पे फेस पे वो अभी हम उसको चेक करेंगे कैसा है क्या। कमर्शियली ये दो ही वैरायटीज हैं आपके? फिलहाल कमर्शियली हम इसको एस्टैब्लिश एक काफ़ी हद तक कर चुके हैं, इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे लेकिन काफ़ी हद तक हम इसको कर चुके हैं, इसलिए ही हमें ज़्यादा फीजिबल है। अब बताइए हिसाब के हमारा जो फार्मर है अगर जो इसको लगाना चाहेगा तो फी एकड़ कितने पौधों की एवरेज है? वैसे तो आपने यहाँ पे कितने लगाए हैं लेकिन ओवरऑल वैसे लगते हैं कितने, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। फी एकड़ में ऑन एवरेज इंटरनेशनली तो 200 भी टच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे ऑन एवरेज 200 प्लांट जो है ना पर एकड़ इसके लगते लगाए जाते हैं। थोड़ी सी इसमें ये एक डिफरेंस आ सकता है कि टाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये सीधा पर बताएं हमारे नाज़रीन को कि जो हमारे यहाँ पे इसकी पेस्ट मैनेजमेंट है, आपने पौधे लगा लिए हैं तो क्या कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो इसके ऊपर हमलावर होते हैं और किस तरह इसको तदारक कैसे किया जाता है इसका? इसमें बेसिक जो हम खाद जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ना उसकी वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन आ सकता है या फंगल अटैक आ सकता है। उस फंगल अटैक की वजह से हम फिर स्प्रे यूज़ करते हैं। सिर्फ स्प्रे तब करते हैं जब हमें उस पर शक होता है कि इसमें इन्फेक्शन होगा पौधे में। फ्रूट के ऊपर भी वो फ्रूट फ्लाई जो होती है उसका भी आता है, उसके वो मिलते हैं आप इस दरख्त के साथ लटका देते हैं, उसकी वजह से ट्रैप्स होते हैं। जी वो ट्रैप्स लगा देते हैं। मोस्टली आम प्रैक्टिस है जो हर फार्मर करता है, तो आप भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं? फिलहाल हम वही करते हैं, उससे हमारा काफ़ी हद तक ठीक रहता है। और हमारा गोल ये है कि हम यहाँ के जितना हम इसको नेचुरल रख सकें उतना नेचुरल रखें। तो ये इसका मतलब आपकी ये प्योरली ऑर्गेनिक और नेचुरल आप इसको रख रहे हैं सारे? हम इसको नेचुरल जहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं हम इसको नेचुरल रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली जब फर्टिलाइजर भी आप कम डाल रहे हैं इसको नेचुरली कर रहे हैं तो इसमें प्रोडक्शन पे तो काफ़ी जो है ना वो कहते हैं कम होती है। तो आपकी क्या प्रोडक्शन फी प्लांट्स कितनी प्रोडक्शन आपकी ऑन एवरेज होती है? कभी किसी पे ज़्यादा भी होगी कम भी होगी तो ऑन एवरेज क्या प्रोडक्शन है इसकी? ऑन एवरेज एक पौधा 400 तक भी टच कर जाता है। उसकी एज कितनी है उसका फैलाव कितना है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप उसको बहुत पुश करेंगे ना कि वो फ्रूट ज़्यादा दे तो उसकी फ्रूट की क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। उसकी आप अगर उसको खाएं तो उसकी क्वालिटी उतनी हाई नहीं होती। तो उसके लिए प्रोनिंग करते हैं हम, उसका साइज एक ऐसा रखते हैं जिसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। 200 kg तक जो है ना आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 मंथ तक एवरेज ऑन एवरेज फी पता आप बढ़ा सकते हैं आराम से वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हम टोटल इसकी प्रोडक्शन निकालें तो ये 10 टन तक बनती है। तो इसमें अगर हमारा फार्मर जो है इसकी इकोनॉमिक्स को देखेगा फुल यूटिलाइज करेगा हर प्लांट को तो फी केजी आपको क्या प्राइसेस की अभी मिल रही है, फ्रेश की क्या प्राइस है यहाँ? फी केजी फिलहाल जो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे आके लेते हैं जिसमें कोई डिलीवरी या वो चार्जेस शामिल नहीं है वो हम 250 पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 250 हमारा वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है उसकी वजह से कॉस्ट कम आ जाती है। अगर वॉल्यूम कम हो तो फिर उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। 250 पर केजी के हिसाब से ऑन एवरेज हमारा 25
लाख रुपए पर एकड़ बनता है, इसके ऊपर प्रोडक्शन जो है पर एकड़ बन सकता है। इसका एक्सपोजर लोगों में कम है फ्रेश फ्रूट की, अभी जैसे आप बात कर रहे थे किसी ने खाया भी नहीं होता फ्रेश फ्रूट। कई लोग यहाँ पे आते हैं वो कहते हैं यार ये वो होता है अंजीर, ये है वो, इसको रस्सियों में परोई होती है। आप उसको अंजीर की बात करें तो वो उसको इमेजिन करते हैं वो रस्सियों में परोई हुई अंजीर, उसके जहन में तस्वीर ही वो आती है। असल अंजीर का फ्रूट तो ये है ना, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जिसमें कंपटीशन कोई नहीं है, आपकी एक यूनिकनेस है, आप यूनिक है, आपके फार्म्स की भी यूनिकनेस है। हमारी अपनी यूनिकनेस यही है कि इस तरह की कमर्शलाइज्ड उस बेस पे कोई इस तरह का और नहीं है, कुछ हैं लेकिन वो इतने प्योर नहीं है जितना हमारा प्योर और ऑर्गेनिक होता है। तो इसमें देखिए जैसे पोठार का रीजन है, इसमें पानी तो यार बारिश होगी तो आना है, या अगर पानी नीचे से निकालना तो बहुत महंगा पड़ता है, तो कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है जी की यहाँ पे? जो हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं है कि पानी हमारे पास कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो, हमने यहाँ पे कुआं भी बनाया हुआ है, उसके साथ सोलर लगाया हुआ है। ये एरिया इस तरह का है कि यहाँ से कुछ वाटर लेवल यहाँ पे बेहतर है, वैसे यहाँ पे इतना बेहतर नहीं होता। ये एरिया इस तरह का है फ्लड वाटर्स का एरिया, यहाँ से फ्लड्स गुजरते हैं, पुराने टाइम्स में से गुजरते आ रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशनल भी है और पानी का लेवल भी बेहतर है यहाँ पे। उस वजह से हमने सोलर और ड्रिप इरिगेशन हम यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन ताकि वाटर जो है वो कंजर्वेशन के थ्रू हम उसको यूज़ करें। तो एक वीकली पानी लगाते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, किस तरह पानी की रिक्वायरमेंट है? पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट तब शुरू होती है जब इस पर फल आना शुरू होता है, जो कि अप्रैल के एंड तक आप समझें इस पर पानी की जरूरत होती है, ज़रूरत पड़ने लग पड़ती है, फिर हम इसको रोज़ थोड़ा 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 ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं क्योंकि फ्लड वाटर से हम नहीं दे सकते, हमारे पास इतनी पानी की एक्सेस नहीं है। यह पौधा लगा हुआ है, इसके आप पत्ते आप तकरीबन मेरे हाथ से थोड़े से छोटे हैं या तकरीबन मेरे हाथ के बराबर हैं, इनका साइज़ बहुत डिफरेंट नहीं है और इनका जो फ्रूट है वो भी एक डिसेंट साइज़ का है। बहुत अमेजिंग। ये जो है ये जो नस्ल लगी हुई है ये वाले हमारे चारों तरफ इस वक्त जिस पोर्शन में हम खड़े हैं ये काबली है, काबली जो है ये थोड़ी वाइट है, बिल्कुल ये थोड़ा सा कच्चा है इस वजह से वाइट है, पक के भी वाइट होता है ये, नहीं ये मैरून हो जाता है, मैरून मतलब हो जाता है, ब्लैक नहीं है, मैरून और ब्लैक के बीच में का रंग होता है इसका, ना बहुत डार्क होता है ना बहुत लाइट होता है, इन बिटवीन सा रंग होता है। इसकी खासियत यह है कि ये थोड़ा नरम ज़्यादा होता है लेकिन ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल ठीक। ये जो हमारे पास दूसरी किस्म है ईरानी, उससे दो हफ्ते पहले इसकी क्रॉप उतरनी शुरू हो जाती है और ये ज़्यादा मीठा है। अच्छा ये भी बताइए कि क्या मुख्तलिफ ये समझा जाता है कि ये साल में दो दफ़ा लगती है? ये साल में दो दफ़ा लगती है, ये वाकई लगती है, ठीक है, लेकिन वो उतनी उसकी मैनेजमेंट करना, और वो दूसरा जो टाइम है वो आता है सर्दियों से थोड़ा सा, सर्दियों के तकरीबन इन बिटवीन के ही आता है। हमने दो क्रॉप्स इससे ली नहीं है फिलहाल, आप एक ही क्रॉप, हम उस टाइम पे प्रोनिंग कर देते हैं इसकी, एक क्रॉप ही लेते हैं, उससे स्ट्रेस भी कम पड़ता है पौधों पे। अगर आप कमर्शियल सोल कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करें फिर तो आप जैसे मर्जी यूज़ करें, फिर तो आपको कुछ आपको पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको एक फसल लें तो आप उनको रिकवर करने दें पौधों को, वो उनके लिए बेहतर होता है, उनकी लॉन्गजेविटी के लिए बेहतर होता है, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, कुछ सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स पूरे रहते हैं उस तरह। ये देखें और ये पूरा पका हुआ है, पूरा पका हुआ का मतलब होता है कि ये इस तरह थोड़ा सा पीछे से खुल जाता है, हल्का सा खुल भी जाता है और अंदर से इसके बिल्कुल मैरून कलर के भी बहुत ज़बरदस्त। ये आप हमें हाफ ऑफ कर लेते हैं, अब ये फिर आप ये भी देखिए ये अंदर से बड़ी अच्छी लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा अभी फिर भी कच्चा है, ठीक है, ये इसकी सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है, ये सारी थोड़ी सी अभी कच्चा है ये पौधा।